केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि सरकार द्वारा लगातार किए गए प्रयासों से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में कोविड पूर्व स्तर पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार की वजह से अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,05,155 करोड़ रुपए हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ये वृद्धि 10% अधिक है। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। सुरक्षा के सभी बंदोबस्त मुकम्मल। कोरोना से बचाव के भी किए गए हैं उपाय। और बागपत केरमाला के सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र 2020-21 का सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया उद्घाटन। कहा किसानों के गन्ने का समय पर होगा भुगतान। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि सरकार द्वारा समय समय पर किए गए प्रयासों से अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार के संकेत मिल रहे हैं और ज्यादातर क्षेत्र पूर्व कोविड स्तर पर लौटते हुए दिख भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि अलग अलग समय पर विभिन्न स्तरों पर किए गए उपचारात्मक उपायों के परिणाम मिल रहे हैं। कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। अगले 4-5 महीने अगर इसी तरह का अगर मोमेंटम रहा तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, मार्च महीने तक अगर यही अगर गति जारी रही तो हमारा जो ग्रोथ है वो करीब करीब पिछले साल का जो जीरो नियर जीरो ग्रोथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान लगातार समीक्षा की और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, चाहे फिर वो पीएम जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे जमा करना हो या फिर किसानों को उनकी किश्त समय से पहले पहुंचाना हो या फिर एमएसपी या ईपीएफओ के तहत व्यापारियों या कर्मचारियों को राहत देना हो। सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए तमाम काम किए हैं। अप्रैल महीने में क्या जरूरत क्या थी, पूरा लॉकडाउन था, लोग अपने नौकरी पे जा नहीं पा रहे थे, जो डेली वेज जो कमा रहे थे, रोज जो दिन का जो जिनको मजदूरी मिलती थी वो कमा नहीं पा रहे थे, तो ये निर्णय ले दिया गया कि उनके हाथ में कुछ कैश देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 20 करोड़ जो स्त्री जो बैंक धारक हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए, उसी तरीके से किसान योजना के तहत जो पैसे उनको भेजे जाने थे वो इंस्टॉलमेंट हमने जल्दी भेज दिए। सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए इस साल अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। इस साल अक्टूबर में जीएसटी राजस्व पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10% अधिक है। भारत में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन गिरावट दी जा रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 75,44,798 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 91.68% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 53,285 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। देश में फिलहाल 5,61,908 सक्रिय मामले हैं। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मामले वाले देशों में शामिल है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में भी उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान किया जाना है, जिसके लिए शीतला चौकी से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। 126 बसों से 554 मतदेय स्थल पर रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियां रवाना करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 4 हेल्प डेस्क गेट पर एवं 2 मंडियों पर बनाए गए पोलिंग पार्टी स्थल पर गोला बनाया गया है, जिस पर उनको रहना है। बूथ है, 238 सेंटर है, 71 हमारे सेंटर ऐसे हैं जो हमारे क्रिटिकल हैं। हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया है और 126 बसों में आज पोलिंग पार्टियां अपने स्थान पर 1 बजे से 2 बजे के बीच पहुंच जाएंगी। सभी बूथों पर हमने 2 तरह की हेल्प डेस्क लगाई हैं। एक हेल्प डेस्क है कोविड से रिलेटेड, एक
हेल्प डेस्क है इलेक्शन से रिलेटेड। कोविड हेल्प डेस्क पर हमारी आशा बैठेगी, थर्मल स्कैनिंग से हर एक मतदाता को देखेगी, किसी को बुखार तो नहीं है, अगर एक टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग किट पहना करके आखिरी घंटे में वोट डलवाएंगे, अन्यथा उसको हम एक ग्लव देंगे और उसको मास्क लगा करके सैनिटाइज करा के लाइन में लगा देंगे और अपना वोट डाल करके आदमी आराम से चला जाता है। अमरोहा जिले में नौगावा सादात विधानसभा उपचुनाव में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज मंडी समिति स्थल से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र ने बताया कि मतदान के दौरान कोविड 19 से बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी को सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड और मास्क मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के लिए भी मास्क लगाना जरूरी है, ऐसे में यदि कोई मतदाता मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसे मतदान केंद्र पर मास्क मुहैया कराए जाने की व्यवस्था की गई है। नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में कुल 290 मतदान केंद्र हैं और 489 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के 3,21,620 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये सीट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन से रिक्त हुई है। पोलिंग पार्टियों को समय से यहाँ आने के लिए अनुरोध किया गया था, सभी पार्टियाँ आ गई हैं और ये प्रयास किया गया है कि सभी को अलग अलग समय दिया गया है जिससे भीड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और सभी पार्टियां अपने निर्धारित बसों में तैयार होकर के अपनी सामग्री लेकर के आज ही पोलिंग स्टेशन पे अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएंगी और कल सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराएंगे। सभी को ग्लव्स दिए गए हैं पोलिंग पार्टीज को, उनको मास्क दिया गया है, उनको सैनिटाइजर दिया गया है और साथ ही साथ उनको सबको फेस शील्ड भी दी गई है। आज सभी से यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अपना मतदान न करे और हर व्यक्ति को मास्क अथवा अपना कोई तौलिया मतलब अपना मुंह बांधने के लिए गमछा आदि का प्रयोग करे। सहकारी रमाला चीनी मिल के नए पेराई सत्र का सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने केन में गन्ना डालकर विधिवत शुभारंभ किया। मिल गेट के तौल केंद्रों पर गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित किया। सांसद और डीएम ने चीनी मिल का निरीक्षण कर कहा कि चीनी मिल में आने वाले किसानों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। स्थानीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पिछले वर्ष 83 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई हुई थी, इस बार जो टारगेट है वो 86 लाख क्विंटल का है। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि उससे भी ज्यादा हमारे जो क्षेत्र का गन्ना है वो सारा गन्ना मिल पर समय पर आए और उसके साथ साथ गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होगा। भगवान से हम सब लोगों ने प्रार्थना की है कि पेराई सत्र ठीक ठाक चलता रहे, मिल बिल्कुल व्यवस्थित रूप से काम करता रहे, जबकि पिछले वर्ष 83 लाख कुंटल की पेराई हुई थी, इस बार जो टारगेट है वो 86 लाख टन का जो है उसमें टारगेट है। मेरा विश्वास है कि उससे भी ज़्यादा हमारा जो गन्ना है क्षेत्र का वो सारा वो मिल समय पर लेगा और उसके साथ साथ समय पर लोगों का, किसानों का गन्ने का भुगतान भी समय पर होगा। अभी जो कुछ बचा हुआ है वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात के लिए मैंने निवेदन किया है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, माननीय गन्ना मंत्री से बात हुई है, मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी सब लोगों की तरफ से सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको जो है शुभकामनाएं देता हूँ। बलरामपुर जिले में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर तेजी देखी जा रही है। जिले में धान क्रय केंद्र के 29 केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा सभी केंद्रों पर जिला स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं जो धान खरीद पर नजर रख रहे हैं। जिले में 15 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद में 12,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 31 अक्टूबर 181 मीट्रिक टन से अधिक खरीद अब तक हो चुकी है। 72 घंटे में किसानों के खाते में भुगतान भेजा जा रहा है। किसानों ने बताया कि बाहर प्राइवेट खरीद पर जहां 1,000 से 1,200 रुपए कुंतल धान बिक रहा है वो सरकारी केंद्र पर 1,886 का लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। भैया मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, मैं सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान बेचने लाया हूं, यहां से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। क्या समुचित व्यवस्था है, भुगतान समय से 72 घंटे के अंदर मिल रहा है, हम लोग पूर्णतः संतुष्ट है इस केंद्र से। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, गौरी डकही के रहने वाले हैं, हम लोग धान बेचने यहाँ आए हैं सरकारी रेट के दाम पे।
इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। यहाँ बाहर तो 1000-1200 रुपये में बिकता है, यहाँ 1800-1800 रुपये में बिकता है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, ग्राम सभा सहरीवा खरानिया। सरकारी क्रय केंद्र पे धान लेकर आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बनिए के हाथ बेचने से वहाँ 1000-1200 रुपये कुंटल बिकेगा और यहाँ 1868 रुपये पर क्विंटल आपको मिलेगा। 72 घंटे के अंदर भुगतान मिलेगा आपको। देखिए, इस बार जो है सरकारी जो MSP है बहुत अच्छी है। 1868 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया जा रहा है और खरीदे तो यहाँ 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें PCF के 23 केंद्र हैं, शेष 6 केंद्र खाद्य विभाग के हैं। 12,000 MT हमको कार्यकारी लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष खरीद हमारी ठीक चल रही है, किसानों में उत्साह है। आयुष्मान भारत योजना से लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। हाथरस जिले में करीब 73,000 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं और लगभग 4,000 लोगों इसका लाभ ले चुके हैं। योजना से लाभान्वित हुए लाभार्थियों ने बताया कि ये योजना गरीबों के लिए बेहद लाभदायक है। जनपद के निवासी सुरेंद्र ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इस योजना के तहत उनका और उनकी पत्नी का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभास सिंह ने बताया कि जिले में 73,000 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत के तहत मुझे डेंगू हो गया है, उस योजना के तहत डेंगू का मैं इलाज यहाँ AVG हॉस्पिटल में करा रहा हूँ। कैसी योजना? बहुत अच्छी योजना है। आयुष्मान का इलाज चल रहा है हमारा AVG हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट हुआ था, मैं, मेरी मम्मी, पापा तीनों। फ्री इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है। मेरी वाइफ कमलेश, हम दोनों जने जा रहे थे, दोनों का हमारा एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों AVG हॉस्पिटल आए, आयुष्मान कार्ड द्वारा हमारा इलाज चल रहा है और हम जिस समय खूब बढ़िया इलाज हो रहा है हमारा। ऑपरेशन हमारी मैडम का हो चुका है, कल मेरा होना है, खूब बढ़िया इलाज हो रहा है जी। योजना बहुत बढ़िया योजना है गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया योजना बनाई है। बहराइच गोंडा राज्य मार्ग पर थाना क्षेत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 1.5 दर्जन जायरीनों में 6 की मौके पर ही मौत हो गई और 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कई घायलों की हालत गंभीर है। CO सिटी त्र्यंबक नाथ ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन सवार सभी लखीमपुर खीरी के हैं, जो अंबेडकर नगर की छौछा शरीफ से जियारत करके वापस घर लौटते समय थाना प्रयागपुर के पास किसी अज्ञात वाहन से बीती अर्धरात्रि दुर्घटना का शिकार हुए, जिसकी सूचना पर तत्काल उन्हें सहायता केंद्र पहुंचाया गया और सभी का इलाज चल रहा है, जिसमें 6 जायरीनों की दुखद मृत्यु हो गई है। देखिए, आज ये जनपद लखीमपुर के थाना सिंगाही के रहने वाले 16 जायरीन किछौछा दरगाह अम्बेडकर नगर से दर्शन करके आ रहे थे कि रात्र में निवदहा मोड़ PS प्रयागपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनके वाहन को टक्कर मार दी। खादी का अपना इतिहास जो गांधी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री इसको स्वदेशी से जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही प्रयास खादी को बढ़ाने के लिए वाराणसी सेवा आश्रम कर रहा है। देखिए वाराणसी से हरिकेश बहादुर की रिपोर्ट। भारत सरकार के MSME मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से वाराणसी का पांडेपुर स्थित यह सेवा आश्रम चलता है। यहाँ खादी का कपड़ा बनाने, सिलाई करने तक का काम होता है। सेवा आश्रम में डिजाइनर मास्क तो बनते ही हैं, खादी के एप्रन भी बनते हैं और अब सेवा आश्रम ने खादी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए हर खरीद पर फ्री एप्रन और मास्क देने की स्कीम भी चलाई है। हम लोग खादी में आज के नौजवान वर्ग को जोड़ने के लिए आधुनिक डिजाइन और अंतरराष्ट्रीय पैमाने के आधार पे हम लोग डिजाइन करते हुए यहीं पे सिलाई भी करवा रहे हैं। कोई भी एक आइटम लेने पे मास्क जो है फ्री में दिया जा रहा है। इस फ्री मास्क और एप्रन की स्कीम से युवा खादी की ओर आकर्षित तो हो ही रहे हैं, स्वदेशी के नाम पर इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं यहाँ खादी इंडिया से शॉपिंग करने आई थी और मुझे ये पर शॉपिंग ये मास्क गिफ्ट में मिला है। इतने स्टाइलिश और कंफर्टेबल मास्क मिले हैं यहाँ पे, मैं और खरीदूंगी और प्लस पूरे एक सेट के साथ यहाँ पे एक एप्रन फ्री का स्कीम चल रहा है, जिसका फायदा हम सभी उठा रहे हैं। खूबसूरत डिजाइन और खादी के सुंदर कपड़े यहाँ सेवाश्रम में खूब हैं।
जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ही स्वदेशी को बढ़ाने का काम बखूबी कर रहे हैं। जो साइज का भी कपड़ा बना रहे हैं ये डिजाइनर, युवाओं को आकृष्ट करने के लिए मास्क फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को आकृष्ट करने के लिए एप्रन फ्री दे रहे हैं, और मोदी जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत की, लोकल से ग्लोबल की और लोकल से वोकल की, उसको भी बनारस से ही ये संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि कैसे हम खादी को पहने, खादी को अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई 3 दिवसीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से नींव की मजबूती, राम मंदिर की गुणवत्ता के साथ साथ मंदिर निर्माण के समय और मंदिर निर्माण के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा इंजीनियर्स के साथ कई निर्माण इकाइयों के साथ चर्चा की गई। बैठक में एक और भी अहम फैसला लिया गया, जिसमें कार्यदायी संस्था लार्सन एंड टुब्रो के कार्यों पर टाटा कंपनी सहित अन्य विशेषज्ञ नजर रखेंगे और राय भी देंगे। इसके अलावा टाटा कंपनी को मंदिर निर्माण के दौरान L&T कंपनी पर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई है। भवन निर्माण, मंदिर निर्माण के दौरान, मंदिर निर्माण के पश्चात उस परिसर और भगवान की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, आज क्या है, इस पर विचार विमर्श हुआ। लार्सन टुब्रो, टाटा इंजीनियरिंग और गोविंद देव गिरी जी ने अक्षरधाम के सन्यासी के साथ बात की, जिनका काम ही मंदिर बनवाना है, और हमारी ओर से भी एक इंजीनियर श्री जगदीश आफले, इन्होंने खूब विचार विमर्श किया। IIT चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CBRI रुड़की, इनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। टाटा के भी सभी प्रकार के एक्सपर्ट इंजीनियर्स, उनकी पूरी 8 लोगों की टोली यहाँ थी। देश के सामने जब ये विषय जाएगा कि लार्सन टुब्रो और टाटा इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके हर पहलू पर उनकी निगाह रहेगी, तो देश का भरोसा जगेगा। ये इन 4 दिनों की बैठक का एक सामान्य निष्कर्ष है। हमारी यहाँ की 2 दिनों की बैठक, जिसमें मैं 2 दिन सहभागी था और उसके पूर्व 1 दिन से वो चल रही थी, 3 दिनों की बैठकें बहुत अच्छी हुई, और इन बैठकों में हम लोगों ने लगभग पूरा काम कर लिया है। पूरे काम का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सारा पक्का हो गया। L&T के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी के साथ में और सोमपुरा जी के साथ में हमारी सारी बातें फाइनलाइज हो गई, और अब उनका काम बड़ा अच्छे आनंद से आरंभ होगा। आप लोगों के लिए नई बात इतनी ही है कि हम लोगों ने ये सारा काम, जो परिसर का विकास है, उसके लिए पूरे देश के आर्किटेक्ट्स को भी आवाहन करना निश्चित कर दिया है, और जो भी आर्किटेक्ट, जो भी स्थापत्य विशारद इसमें अपना योगदान देना चाहेगा, अपनी कल्पनाएं भेजना चाहेगा, उन सबको हम वेबसाइट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी बुला रहे हैं कि अपनी कल्पनाएं हम लोगों को भेजो, हम उनमें से चुन करके उसको निश्चित करेंगे। जिस प्रकार हम ये सारी बातें आर्किटेक्ट से करेंगे, उसी प्रकार सारे धर्माचार्यों को भी भेजेंगे। देश के प्रमुख 40-50 धर्माचार्यों को ये भेज करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के, फिर हम अपनी सारी परियोजनाओं को फिक्स करेंगे। वाराणसी में अमर शहीदों की याद में हर साल 1 माह कार्तिक मास में जलने वाले आकाश दीपों का दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा कल शुभारंभ किया गया। काशी में सदियों से गंगा घाट पर अपने पूर्वजों की स्मृति और उनके स्वर्ग लोक यात्रा की मार्ग को आलोकित करने के लिए आकाश दीप जलाने की परंपरा रही है। देश के अमर सपूतों को इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दी जाती है। इस बार कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना से लोगों को बचाने में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, उनकी याद में ये दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर नरेंद्र पाल ने कहा कि हर साल देश के तीनों सेनाओं, जल, पृथ्वी और आकाश के साथ सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की शहादत को याद करते हुए उनकी याद में ये कार्यक्रम किया जाता है।
प्रतिवर्ष की भांति आज यहाँ आकाशदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के तहत इंडियन आर्मी की तीनों इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ और इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं उनके पिछले एक वर्ष में जो कारगिल शहीद होते हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जाता है। तो ये उसी आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसमें शहीदों को याद करते हैं। आकाशदीप जलाया गया है शहीदों के लिए। ये कार्यक्रम, ये प्रथा जो है वो सदियों पुरानी है। महाभारत काल में भीष्म पितांबर ने जो युद्ध में शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके लिए पूरे कार्तिक मास दीपक जलाया था। उसकी मान्यता ये है कि कार्तिक मास में दीपक जलाने से जो शहीद होते हैं या जो दिवंगत होते हैं उनके स्वर्ग लोक की यात्रा सफल होती है। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए 1999 कारगिल युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने देश के अमर वीर योद्धाओं शहीदों के लिए आकाशदीप जलाने की प्रथा प्रारंभ की है, जो अनवरत अभी तक चला आ रहा है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमें अपनी प्राकृतिक खूबसूरती एवं संपदा से भरपूर वनों की ब्रांडिंग करनी होगी। आज का ये दौर ब्रांडिंग का है। वन मंत्री दुधवा टाइगर रिजर्व के वर्ष 2020-21 के पर्यटन सत्र के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिम कार्बेट पार्क के दुधवा टाइगर रिजर्व से तुलना नहीं की जा सकती, बावजूद इसके ब्रांडिंग के दम पर कार्बेट में अधिक पर्यटक आते हैं। अच्छी ब्रांडिंग करते हैं अपने जंगलों का, तो मैं समझता हूँ आपके माध्यम से ये भी एक संदेश जाना चाहिए कि हम सारे लोगों का दायित्व तो ये जिम्मेदारी। और दुधवा नेशनल पार्क शायद देश का पहला पार्क है, नेशनल पार्क है, जहाँ गैंडा राइनो शायद काजीरंगा के बाद पहला है देश का जहाँ गैंडा पाए जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि गैंडा दुधवा में भी है क्या। एक बार मेरा मित्र वहाँ मिनिस्टर है तो अरुणाचल का, तो कहा आने के लिए, हाँ दुधवा नेशनल पार्क को देखने के बाद कहा, मैंने कहा तुम, मैंने कहा आए तुम तो मैं रैनो भी दिखाऊँ, चलो वहाँ भी रैनो है, क्या तुम सुनिए नॉर्थ ईस्ट की है। मैंने भी रैंडा के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है कि दुधवा नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क है। जितना डेंस फॉरेस्ट ये है मुझे लगता है कि और कहीं आपको मिलता नहीं। जो लोग जिम कार्बेट से लौट के आते हैं और इसको देख के जाते हैं तो कहते हैं साहब इसे तो कोई तुलना ही नहीं है, आपके दुधवा से और इसे जिम कार्बेट से कोई तुलना ही नहीं है। बस कभी क्या है उसकी ब्रांडिंग इतनी हो चुकी है, इसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। बिल्कुल सभी से भी मेरी चर्चा है, मेरी इनसे भी चर्चा है पांडे जी से, कि आने वाले दिन में ये पार्क साल भर खुला रहे, कुछ बोर कुछ छोड़ करके जो बफर वाला है इसमें साल भर सैलानी आते रहे और उसका लुत्फ उठाते रहे। प्रधानमंत्री के ट्वीट, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और दो गज दूरी मास्क है जरूरी से प्रेरित होकर विंध्याचल में आए हुए दर्शनार्थी पंडा समाज, नाई समाज, मल्ला समाज, विश्व विख्यात माँ विंध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर में सभी लोगों को मास्क बांट रहे हैं और पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करा रहे हैं। मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के मेले में और पूर्णिमा मेले में बहुत जोर शोर से इसका पालन कराया जा रहा है। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा की आईटी टीम भी लोगों से ट्वीट करा रही है। ट्वीट का पालन करवाते हुए दो गज दूरी और मास्क है जरूरी का सबको संकेत दिए हम लोग, और पूरे नवरात्र में यात्रियों से हम लोग आग्रह करते रहे कि दूरी बना के चले, मास्क बांटते रहे, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया और आगे भी ऐसा हम लोग आग्रह कर रहे हैं यात्रियों से कि वो ऐसा ही पालन करते रहें। रिट्वीट किया जा रहा है उनके सारे ट्वीट को। हमारी जो आईटी टीम है पूरी लगी हुई है कि उनका संदेश पूरे क्षेत्र में फैले और पूरे देश में और यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में प्रदेश के नहीं विश्व तक के लोग आते हैं दर्शन करने। इसके द्वारा हमारा बैनर लगा है पूरे मतलब देश विदेश ही ये जा रहा है कि ये दो गज दूरी मास्क जरूरी है, जब तक दवा नहीं आए इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं।
और यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं कि जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती कोविड 19 की, तब तक इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी कह रहे हैं लोगों को कि दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, प्रधानमंत्री के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कीजिए। आप जितने भी बात बताए गए हैं उसके लिए जो है आपको उपाय बताए गए हैं बचने के लिए, तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क आपको बहुत हद तक इस बीमारी से बचाव करता है। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड 19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की, देखते हैं क्या है ये पहल। प्रधानमंत्री के ट्वीट का पालन करवाते हुए दो गज दूरी और मास्क है जरूरी का सबको संकेत दिए हम लोग, और पूरे नवरात्र में यात्रियों से हम लोग आग्रह करते रहे कि दूरी बना के चले, मास्क बांटते रहे, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया, और आगे भी ऐसा हम लोग आग्रह कर रहे हैं यात्रियों से कि वो ऐसा ही पालन करते रहें। रिट्वीट किया जा रहा है उनके सारे ट्वीट को। हमारी जो IT टीम है पूरी लगी हुई है कि उनका संदेश पूरे क्षेत्र में फैले और पूरे देश में, और यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में प्रदेश के नहीं विश्व तक के लोग आते हैं दर्शन करने। इसके द्वारा हमारा बैनर लगा है पूरे मतलब देश विदेश ही ये जा रहा है कि ये दो गज दूरी मास्क जरूरी है, जब तक दवा नहीं है इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं कि जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती कोविड 19 की, तब तक इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी कह रहे हैं लोगों को कि दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, प्रधानमंत्री के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कीजिए। आप जितने भी बात बताए गए हैं उसके लिए जो है आपको उपाय बताए गए हैं बचने के लिए, तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क आपको बहुत हद तक इस बीमारी से बचाव करता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि सरकार द्वारा लगातार किए गए प्रयासों से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में कोविड पूर्व स्तर पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार की वजह से अक्टूबर माह में GST संग्रह बढ़कर 1,05,155 करोड़ रुपए हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह वृद्धि 10% अधिक है। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, सुरक्षा के सभी बंदोबस्त मुकम्मल, कोरोना से बचाव के भी किए गए हैं उपाय। और बागपत के रमाला के सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र 2020-21 का सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया उद्घाटन, कहा किसानों के गन्ने का समय पर होगा भुगतान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।